दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका अपना दोस्त प्रपी सिंह। सभी का स्वागत है माइक्रो एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज की वीडियो में आपको मैं फैक्ट्स बताऊंगा कि जब हम लोग फ्लड इरीगेशन द्वारा खेत को पानी देते हैं, खेत को खुला पानी देते हैं, तो उसमें कितने लाख लीटर पानी लग जाता है, और जब हम लोग ड्रिप द्वारा खेत की सिंचाई करते हैं तो ड्रिप द्वारा कितना पानी लग जाता है। आपने अक्सर सुना होगा, जब भी आपने कभी कोई ड्रिप सिस्टम या स्प्रिंकलर सिस्टम लगाया है तो आपके पास जो भी कंपनी वाले रिप्रेजेंटेटिव आए होंगे जो ड्रिपर स्प्रिंकलर का काम करते हैं, उन्होंने आपको ये बात बोली होगी कि ड्रिपर स्प्रिंकलर द्वारा 50 से 60% 70% 80% तक पानी की बचत हो जाती है। पर दोस्तों, ये बचत एक्चुअल में होती कैसे है, पहला सवाल ये। दूसरा सवाल दोस्तों, जब आप फ्लड इरिगेशन करते हैं खेत को, जब आप खुली सिंचाई करते हैं, खुला पानी लगाते हैं, तो उसमें खेत को कितने लाख लीटर पानी लग जाता है। ये दोनों कैलकुलेशन के बारे में मैं आपको बात करूंगा। कोशिश करूंगा वीडियो छोटी से छोटी रहे, थोड़ी सी स्पीड मेरी बोलने की तेज होगी, ताकि आपको कम समय में ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिल सके। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, जो हमारी सॉइल होती है, सॉइल हमारी बेसिकली तीन तरह की होती है। क्ले होती है, सैंडलोमी होती है, एक सैंडी फॉइल होती है। अब दोस्तों, जो क्ले फॉइल है, इसको नॉर्मली क्ले फॉइल क्या होती है कि जो दोमट मिट्टी होगी, चिकनी मिट्टी होगी, तो ये अच्छी जमीनों में गिनी जाती है क्ले फॉइल। सबसे पहले मैं क्ले फॉइल के बारे में आपको बताता हूं। अगर दोस्तों पूरी गर्मियों में हम लोग क्ले फॉइल को पानी दे रहे हैं, पूरी गर्मियों में हम लोग इसको पानी दे रहे हैं, तो इसमें जो पानी लगेगा, अगर खेत एक लेवल में है, तो 100 से लेके 120 mm पानी लग जाएगा फ्लड इरिगेशन द्वारा। अब मैं mm की आपको कैलकुलेशन समझा देता हूँ कि mm को लीटर्स में कैसे चेंज करेंगे हम लोग। जो दोस्तों हमारा एकड़ होता है वो स्टैंडर्ड एकड़ 4048 स्क्वायर मीटर का होता है। हम लोग 4048 की बजाय 4000 स्क्वायर मीटर को पकड़ लेते हैं। अब दोस्तों, जो मैंने आपको पानी बताया, 100 से लेके 120 mm पानी लगता है। अगर खेत में 1 mm पानी लगे, जो आप स्केल देखेंगे 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं, तो उसके 1 mm में, अगर खेत को 1 mm पानी लगाएंगे, तो 4000 स्क्वायर मीटर में 4000 लीटर पानी लग जाएगा। तो इसके हिसाब से अगर हम लोग खेत को 120 mm पानी दे रहे हैं क्ले फॉइल में, 100 से लेके 120 mm दे रहे हैं, तो ये पानी की कैलकुलेशन बनेगी 4 लाख से लेके 4 लाख 80 हज़ार लीटर। ये पूरी गर्मियों की बात आपको बता रहा हूँ। अगर खेत को हमने लेवल कर रखा है तो इसके आस पास फ्लड इरीगेशन में खेत को पानी लग जाता है। दूसरी बात दोस्तों, जो दूसरी फॉइल हमारी आ जाती है, सैंडलोमी फॉइल। सैंडलोमी फॉइल हल्की रेतीली मिट्टी होती है। अगर इसमें हम लोग फ्लड इरिगेशन कर रहे हैं, खेत एकदम लेवल है, पूरी गर्मियों में पानी दे रहे हैं, तो इसमें जो पानी की मात्रा आ जाएगी वो 150 mm के आसपास आ जाएगी। 150 mm दोस्तों, अगर 4000 लीटर 1 mm में है, तो 150 के हिसाब से 6 लाख लीटर पानी लग गया। जो दोस्तों तीसरी हमारी कैलकुलेशन होती है, वो होती है सैंडी फॉइल, पूरी रेतीली जमीन। अब रेतीली जमीन की दोस्तों कैलकुलेशन नहीं की जा सकती। इसमें तो 200 mm से ऊपर ही पानी लगता है। अगर आपकी मोटर छोटी है, पानी की स्पीड कम है आने की, तो बहुत पानी लग जाएगा। सारा दिन आप एक एकड़ में पानी लगाते रहोगे, पानी चलेगा ही नहीं। अगर मोटर बड़ी डाल रखी है, पानी की स्पीड ज़्यादा है, तेज आने की, पानी पुश करेगा और तेजी से पानी चला जाएगा, तब जाके 200 mm के आसपास हमारा जो एक एकड़ है, फ्लड इरीगेशन द्वारा रेतीली जमीन को पानी मिलेगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं ड्रिप सिस्टम की। ड्रिप सिस्टम द्वारा कितना पानी लग जाता है। दोस्तों, जो फसल की रिक्वायरमेंट होती है, वो अलग अलग फसलों की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती है। वेजिटेबल्स को 5 mm पानी चाहिए होता है पीक वाटर डेज में, जब पूरी गर्मियां होती हैं, उसके हिसाब से मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं, 5 mm पानी चाहिए होता है। अगर दूसरी बात कर ले दोस्तों शुगर केन की, शुगर केन को 5.5 mm पानी चाहिए होता है। तीसरा दोस्तों, अगर ऑर्चर्ड है, फलदार पौधे लगे हुए, तो उसको 2.7 mm पानी चाहिए होता है। अब इधर से पकड़ लेता हूं वेजिटेबल्स को, जिसमें हम लोग 5 mm पानी दे रहे हैं। 5 mm का मतलब हो गया 4000 स्क्वायर मीटर के हिसाब से 20,000 लीटर प्रति घंटा। अब दोस्तों, मैंने आपको पहले बताया था कि अगर हम लोग क्ले फॉइल में फ्लड इरिगेशन द्वारा पानी दे रहे हैं, तो पानी लग रहा है 4 लाख से लेकर 4 लाख 80 हज़ार लीटर। मैं उसको 4.5 लाख लीटर पकड़ लेता हूं। इधर से अगर हम वेजिटेबल में ड्रिप द्वारा पानी दे रहे हैं, तो पानी लगेगा फिर 5 mm। 5 mm का मतलब हो गया 20,000 लीटर। जो ड्रिप द्वारा हमें पानी देना होता है, वो अल्टरनेट डे के ऊपर देना होता है, एक दिन छोड़ के। अब इधर से जो हमारा 4.5 लाख लीटर पानी लगा क्ले फॉइल में, जो फ्लड इरिगेशन होता है, उसका जो वाटर साइकिल होता है दोस्तों, नॉर्मली होता है 8 से लेकर 12 दिनों का, पूरी गर्मियों में सब्जी की फसल में, तो उसको हम लोग पकड़ लेते हैं 10 डेज। 10 दिन के बाद हमें दोबारा उसमें पानी देना है, तो इस हिसाब से 10 दिन का पानी हमारा हो गया 4.5 लाख लीटर। यही पानी अगर हम लोग ड्रिप के द्वारा दोस्तों दे रहे हैं, ड्रिप के द्वारा हमें चाहिए 5 mm पानी अल्टरनेट डे के ऊपर, के 5 mm पानी अल्टरनेट डे एक दिन के बाद देना है। इसका मतलब 10 दिन में 5 दिन हमने पानी दिया 25 mm। मैं इसको 10 दिन पूरा पकड़ लेता हूँ कि 5 mm हम लोग डेली दे रहे हैं पानी, तो ये टोटल पानी बन गया 50 mm। एक दिन का 5 mm, 10 दिन का 50 mm। 1 mm में 4000 लीटर था, तो ये 50 mm के हिसाब से दोस्तों बन गया 2 लाख लीटर। क्ले फॉयल में आपका पानी बचा, क्ले फॉयल में आपने अगर फ्लड इरीगेशन किया था, तो उसमें पानी आ रहा था 4.5 लाख लीटर, और ड्रिप द्वारा आपका पानी लगा सिर्फ 2 लाख लीटर। अब दोस्तों आप कैलकुलेशन कर लीजिए कि 55 से लेकर 60% तक पानी की बचत हो गई सिर्फ क्ले फॉयल में।
अगर हम ड्रिप द्वारा अल्टरनेट डे के ऊपर पानी दे रहे हैं, एक दिन छोड़ के 5 ml पानी दे रहे हैं, तो आप मान लीजिए 1 लाख लीटर ड्रिप द्वारा लगेगा और 4.5 लाख लीटर फ्लड इरीगेशन द्वारा पानी लग जाएगा। ये है दोस्तों फैक्ट। दोस्तों कुछ सीजन में ये पानी की रिक्वायरमेंट अलग होती है, जैसे हम सर्दियों में पानी दे रहे हैं उस समय पानी कम लगेगा थोड़ा सा, क्योंकि ये मैं पूरी गर्मियों की बात कर रहा हूँ, पूरी गर्मियों में इसके आसपास जो है वो फ्लड इरीगेशन द्वारा पानी लग जाता है। ये ड्रिप की कैलकुलेशन थी। अगर दोस्तों यही ड्रिप की कैलकुलेशन मैं फैंडी फॉइल में या फैंडी लोमी फॉइल में करता तो आप मान लीजिए पानी की 80% तक बचत हो जाती। तो इसलिए जो आपको कहा जाता है कि ड्रिप द्वारा इतना पानी बचता है, इतनी पानी की सेविंग हो जाती है, तो वो इस तरह से दोस्तों होती है। जब दोस्तों इसके द्वारा हम लोग ड्रिप द्वारा पानी देते हैं, जब हम लोग पानी फ्लड इरीगेशन द्वारा देते हैं तो हम लोग खेत को पानी देते हैं, जब ड्रिप द्वारा देते हैं तो हम लोग फसल को पानी देते हैं। ये बात समझने वाली है दोस्तों, क्योंकि फ्लड इरीगेशन द्वारा पानी पूरे खेत को दे दिया जाता है। अब दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा कि ये वाले फैक्ट्स आपको समझ में आगे होंगे। अगर इसके रिलेटेड फिर भी आपका कोई सवाल होगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं जरूर करूंगा। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और अन्य किसानों के साथ, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसकी जानकारी मिल सके कि क्यों हम लोग इतने पानी की वेस्टेज करते जा रहे हैं, जबकि हमारे पास एक मॉडर्न अच्छी टेक्नोलॉजी है जिसके ऊपर गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है अलग अलग स्टेट्स में। आप अपने यहाँ एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट पता कर सकते हैं, आपको कुछ कोई सब्सिडी ड्रिप और स्प्रिंकलर के ऊपर जरूर मिल जाएगी। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार।